जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी शलभ माथुर, एडीएम प्रशासन प्रभु नाथ, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला सूचना अधिकारी अंजनी कुमार मिश्र, संरक्षक अमरेश कुमार, समिति के सदस्य रमेश शुक्ल, रविन्द्र कुमार शर्मा, उदय प्रकाश पांडे, अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रेस एवं प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। जिलाधिकारी ने डीआईओ को निर्देश दिया कि पत्रकारों की समस्याओं पर समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें तथा नियमानुसार समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित हो। जिलाधिकारी ने कहा कि समाचार संस्थान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, शहरी ग्रामीण की सूची जिला सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि संकलित सूची तैयार की जा सके। कोई समस्या है आप लोग का? नहीं सर, यहाँ तो कोई उत्पीड़न जैसी शिकायत तो नहीं आई है, बाकी तो सब नॉर्मल ही रहा है। फोन नहीं उठा रहे तो हम लोगों के जो वहाँ के संवाददाता हैं वो छोटी छोटी समस्याओं पर भी कहते हैं कि बाकी आप डीएम साहब से बात कर लीजिएगा। सर हमें कहीं स्पेशली कहीं किसी का वो है क्या? एक तो बिजली विभाग का समस्या होती है, वो उठा भी नहीं पड़ता, कितने फोन आता है ना उस समय में, इतने फोन आ जाता है जी, ताकि वही पलट के मेरा भी आता है जो फोन। कितने फोन आता है, कितने बार लटके बताएंगे भाई एक घंटे में मिल जाएगा, दो घंटे में मिल जाएगी, बता दो बाकी बच्चे हैं जी सर। आप लोग कितने लोग आवा चाहते हो वहाँ? अब तक यार आप लोग सारे मीटिंग में करके चले जाते हो, आप लोग सूची अब तक नहीं दिए कितने लोग वहाँ मन मिला। मान मिला में 16 से 20 लाख के बीच में मिलेगा और 2 BHK वाले अपार्टमेंट है ना, उसके लिए बन रहा है। उसके लिए सर का कुछ मानक होगा? अरे तो पत्रकार के पास पैसा है तो उसमें पत्रकार और 575 लोगों ने वो इनिशियल पैसा जमा आप लोग पत्रकार कोई छूटे तो बता दो यार, ये तो मेरा गारंटी है भाई आपको घुमा देंगे। ठीक है, आप कितने लोग चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ। उसको यार बीच में कुछ लोग आए थे, हमने वहाँ भी कुछ प्लाट्स है बट महंगा बैठ रही है। आप क्या यार इसी रेट पे प्लाट अभी भी पहला और पहले भाव के हिसाब से कमर्शियल प्लाट अभी भी पड़ा है, पत्रकारों ने जो बच गया उसमें दूरदर्शन का बन गया, दूरदर्शन पिछले बार तो 2-3 उन्होंने जो पत्रकार आए थे उन्होंने ये भी सुझाव दिया है। आप लोग तारामंडल इलाके उस तरफ जाते तो एक योजना लैंड पुलिंग योजना है, उसी के अंदर क्या है हम लोग यार पत्रकार से बात करके जमीन लेके डेवलप करके 25% डेवलपमेंट प्लान उनको दे सकते हैं, बाकी प्लाट हम अपने ही ले सकते हैं। और अपार्टमेंट कितने जाते क्या रहते हैं तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज कल का ये जो है